आज पहली रोडवेज की नई बस केकड़े के लिए रवाना, बाकी की 3 कल होगी रवाना। जयपुर से अजमेर के लिए 4 नई बसें भेजी गई थी, जिसका RTO से भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब चारों बसें अलग अलग मार्ग के लिए रवाना की जाएगी। वहीं आज अजमेर केकड़े अजमेर के लिए पहली बस को रवाना किया गया, वहीं बाकी की 3 बसें कल रवाना की जाएगी। कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूजा के साथ इस बस को रवाना किया। इन सभी बसों में यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी गई है। जी सर, कितनी नई बसें आई थी और आज कितनी रवाना की गई? अजमेर आगर को 4 नई बसें मुख्यालय जयपुर से प्राप्त हुई थी और चारों का रजिस्ट्रेशन RTO अजमेर से हो चुका है और चारों कल से मार्ग पर भेज दी जाएगी। एक बस को आज मार्ग पर भेज दिया गया, बाकी 3 कल से मार्ग पर जाएगी। आज पहली बस कहाँ गई है? आज हमने ट्रायल के तौर पर इसको केकड़ी भेजा है, केकड़ी अजमेर की रूट पर। क्या सुविधा है खास इस बस में? बसों में जो नया है वो तो इसका BS4 इंजन है, इससे पहले BS3 इंजन की गाड़ियाँ थी। और इन गाड़ियों में एक SOS की सुविधा है, यानी कि पैनिक बटन है, जिससे ड्राइवर को पता लग जाता है अगर किसी को कोई परेशानी हो तो। और इसके अलावा एक डिस्प्ले बोर्ड नया दिया है और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम और ये सब नई चीज़ें हैं। यात्रियों को किस तरह की सुविधा मिलेगी? यात्रियों के लिए और विशेष तौर पर अलग से इसमें चार्जिंग पोर्ट है, जिससे कि हर सीट पर 2-2 चार्जिंग पोर्ट है। तो मोबाइल चार्ज जो कि आजकल का सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है, तो अभी आप चार्ज कर सकते हैं मोबाइल। सीटें कम कर दी है पहले से, जो बसों में सीटें ज़्यादा थी उसमें कम कर दी है 1-2। वो ऐसा नहीं है, सीटें उतनी ही है। वो आगे केबिन में जो सीटें होती थी उनको कंसिडर नहीं किया गया, बाकी सीटें पीछे जितनी थी उतनी है। सर, स्टेशन के बारे में अब बताया जाएगा आने से पहले? हाँ बिल्कुल, डिस्प्ले पे। हाँ वो तो डिस्प्ले बोर्ड है, उसके अलावा माइक भी दिया है, वो सब ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी बसें कब रवाना होंगी? बाकी बसें कल सुबह रवाना होंगी। ये भी कौन से आगर को मिली सर? ये अजमेर आगर। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम हरी सिंह चौहान, प्रबंधक संचालन अजमेर आगर।